दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में फिर से शिक्षकों की एक नई भर्ती आ गई है। ये विज्ञापन है दोस्तों 15 दिसंबर की, ये विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के आदेश क्रमांक जिसमें दिए गए हैं और दिनांक है 3/7/2020 के अनुसार शैक्षणिक जिला शक्ति के शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति शक्ति द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शक्ति के लिए निम्नानुसार संविदा शिक्षक एवं कर्मचारियों की भर्ती के लिए यहां पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और दोस्तों इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पर 31/12/2020 तक मतलब कि शाम के 3 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आवेदन के लिए। और दोस्तों चलिए जान लेते हैं इसमें पदों की संख्या कितना है और इसमें क्या क्या पद हैं, इसमें वेतनमान कितना होगा, सारी चीज़ें चलिए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास पद का नाम दिया हुआ है, क्या पद हैं वो, और यहाँ पास दोस्तों विषय दिए हैं आरक्षण भी और पदों की संख्या और न्यूनतम कितनी योग्यता होनी चाहिए और इसके लिए वेतनमान क्या होगा, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है तो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी दिया गया है विषय के रूप में और दोस्तों इसमें आरक्षण यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति मुक्त और दोस्तों माध्यम हिंदी होगा, इसमें एक पोस्ट है और दोस्तों 38,100 तक इसकी सैलरी जाती है। और योग्यता की बात करें दोस्तों तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। तो ये है दोस्तों हिंदी शिक्षक के लिए, ये व्याख्याता शिक्षक हैं दोस्तों। और उसी प्रकार दोस्तों संस्कृत के लिए भी एक पद है और इसमें 38,100 इसकी भी सैलरी जाती है और इसमें भी दोस्तों आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड होना आपका इसमें भी अनिवार्य रखा गया है। और दोस्तों व्याख्याता में अंग्रेजी के लिए भी यहाँ पास एक पद है, इसमें भी 38,100 सैलरी जाती है, इसमें भी दोस्तों आपको अंग्रेजी माध्यम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि और बीएड का उपाधि होना आप अनिवार्य रखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर वाणिज्य के व्याख्याता वाणिज्य के लिए भी यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम है और इसमें एक पद है और इसमें भी दोस्तों 38,100 सैलरी जाती है और इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड को अनिवार्य रखा गया है। उसके बाद दोस्तों सहायक शिक्षक की भर्ती में दोस्तों कला समूह के लिए अंग्रेजी माध्यम है और इसमें एक पद है और इसमें दोस्तों सैलरी की बात करें तो 25,300 तक जाती है और कला समूह में 50% अंकों के साथ यहाँ पर योग्यता रखा गया है और दोस्तों इसमें DLED होना अनिवार्य रखा गया है आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर प्रयोगशाला शिक्षक की भी भर्ती है आप देख सकते हैं दिया गया है, इसमें अंग्रेजी माध्यम है और एक पोस्ट है, इसमें 25,300 इसकी सैलरी जाती है और इसमें योग्यता की बात करें तो दोस्तों विज्ञान संकाय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं DED या फिर DLED प्रशिक्षण अनिवार्य रखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों सहायक ग्रेड 2 की भी भर्ती निकाली गई है जो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में, इसमें एक पोस्ट है, 25,300 इसकी भी सैलरी जाती है और योग्यता की बात करें दोस्तों तो हायर सेकेंडरी में 50% अंकों के साथ उत्तम उत्तीर्ण एवं PGDCA या फिर DCA के 1 वर्षीय डिप्लोमा होना आपका इसमें अनिवार्य रखा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की भी भर्ती निकाली गई है जिसमें दोस्तों एक पद है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए हैं और यहाँ पर दोस्तों 19,500 इसकी सैलरी जाती है और दोस्तों यहाँ पर हायर सेकेंडरी में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण एवं PGDCA एवं DCA में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य रखा गया है इसमें योग्यता। तो ये थी दोस्तों कितने पद हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिए, क्या क्या पद हैं वो सारी जानकारी और इसमें योग्यता भी बता दिए और आपका वेतन भी बता दिए हमने क्या क्या है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चयन प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। तो दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ के निवासी मूल निवासी होना अनिवार्य रखा गया है और दोस्तों अगर आप आवेदन अलग अलग पद के लिए कर रहे हैं तो आपको अलग अलग प्रस्तुत करना होगा, आप सब देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पास और भी दिए गए हैं, इस PDF का लिंक भी दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके और अच्छे से देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्व प्रमाणित संलग्न कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित तिथि में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति स्टेशन
रोड शक्ति में स्वीकार किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एड्रेस भी दिया गया है। और दोस्तों अपूर्ण एवं कोई त्रुटि होने पर आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे, ये भी बात आप ध्यान देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं संविदा नियुक्ति हेतु आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2020 की स्थिति में की जाएगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं के अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यहाँ पास आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें और भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पास पदनाम और ठीक से दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें अंक भार भी दिए गए हैं 100%। और यहाँ पर सहायक, सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला, सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 2 का दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पास इसमें कुछ कुछ और दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी हमें आपको इस वीडियो में देना था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में एजुकेशनल वीडियोस अपलोड होती रहती है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।